विलायत न्यूज में आपका खैर मकदम है। मणिपुर में फिर तशद्दुद, केरल से पैदल चलकर रौजा रसूल पर पहुंचे शिहाब। मणिपुर में आदिवासी और मैतई बरादरियों के दरमियान 3 मई से तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुमे को दारुल हुकूमत इम्फाल से मुत्तसिल कोकी अक्सरियत खोकन गांव में अलग अलग वाकयात में 3 अफराद हलाक हो गए। मणिपुर में जारी तशद्दुद के दौरान तकरीबन 100 घरों को आग लगा दी गई। मणिपुर में तशद्दुद के सिलसिले में वजीर आला से लेकर वजीर दाखला तक कई दौर की मीटिंगें हो चुकी हैं। वजीर दाखला अमित शाह 29 मई से 1 जून तक मणिपुर के दौरे पर थे। उन्होंने अमन बरकरार रखने के लिए दोनों बरादरियों के लोगों से भी बात की थी। वहीं मुल्क की एक और रियासत केरल से हज के मुकद्दस सफर पर पापियादा निकलने वाले शिहाब तकरीबन 370 दिनों के मुसलसल सफर के बाद सऊदी अरब पहुंच गए। गुज़िश्ता बरस हज और मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए पैदल निकलने वाले शिहाब पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत से गुजरते हुए तकरीबन 8,640 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए सऊदी अरब पहुंचे हैं। सऊदी अरब पहुंचने के बाद सबसे पहले शिहाब ने मदीने मुनव्वरा में रौज़े रसूल पर हाज़िरी दर्ज कराई। विलायत न्यूज़ में आज इतना ही। इस्लामी दुनिया और बैनुल अक़वामी खबरों से आगाह रहने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।